हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी डैम। यूनिट टू का ये 2.2 है, सेकंड पार्ट है यूनिट टू का, जिसमें डिस्कस करना ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट और मैसनरी डैम का, मैसनरी डैम का और कंक्रीट डैम का स्टेबिलिटी के बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो डैम जो है दो स्टेप का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक रेक्टेंगल डैम और दूसरा है ट्रेपेजॉइडल डैम। इसमें करना क्या है, करना यह है कि कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं कि डैम पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस कितने उस पर अप्लाई होते हैं उन फोर्स के लगने के द्वारा। ठीक है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर डैम। माना कि एक रेक्टेंगल डैम है, ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल एक डैम माने हैं। रिटेनिंग वाटर ऑन वन साइड ऑफ इट्स वर्टिकल साइड, यहाँ पर जो देख रहे हैं वाटर यहाँ पर है एक साइड में, इसमें पानी जो है डैम के एक साइड, दूसरे साइड में पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल एच डैम का हाइट को डिनोट किया गया है, स्मॉल एच वाटर के हाइट को डिनोट किया गया है। ठीक है, और बी जो है बेस ऑफ डैम यानी कि रेक्टेंगल का जो साइज माने हैं वो हमने यहाँ पर विड्थ इसका बी माने हैं जो कि बेस है, और हाइट जो है इसका एच है। उसके बाद है रो डेंसिटी ऑफ मैसनरी, जिस मैसनरी से ये रेक्टेंगल डैम बना है उसका डेंसिटी हमने रो माना हुआ है, और जो पानी है इसका डेंसिटी को गामा माने हुए हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल डैम जिसका विड्थ जो है बी माना हुआ है, और इसका जो डेंसिटी है डेंसिटी को रो माने हुए है, पानी के डेंसिटी को गामा माने हुए, जिसका हाइट एच है, और डैम का जो हाइट है वो भी हमारा कैपिटल एच है। तो इतने सारे वैल्यू को हमने कंसीडर किया हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं कि इस डैम का टोटल विड्थ जो बी है वो बिल्कुल आधा पे अगर आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा बी बाई टू, और रिमेनिंग जो बचा हुआ आधा है यहाँ पर बी बाई टू होगा। तो ये तो हो गए डैम के सेक्शन के बारे में, कौन कौन सा इसका सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब इस डैम पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, तो देखिए, एक जो फोर्स होगा, एक डैम का सेल्फ वेट यानी इस डैम का जितना वेट होगा, और वह ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा जो डैम पर फोर्स एक्ट करेगा वो होगा हमारा थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यानी कि जो वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर डैम के साइड पर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वाटर इसी साइड में जमा है, दूसरे साइड में तो वाटर को तो बाहर निकलना है। ठीक है, तो वाटर का जो प्रेशर होगा डैम के इसी दीवार पर लगेगा, और ये प्रेशर कितना लगता है, और ये प्रेशर जो है ट्रायंगल फॉर्म में लगता है। ट्रायंगल फॉर्म में लगने का मतलब क्या है, कि पानी का बेस जितना ही डाउन जाएंगे उतना ही प्रेशर इसका बढ़ता जाता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा विड्थ पर इसका बेस में प्रेशर होगा, और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे, जैसे जैसे टॉप लेवल होगा वाटर का, वहाँ पर कम प्रेशर लगेगा इसके दीवार पे। तो यहाँ पर ये जो पी की जो वैल्यू होगी, पी जो होगा ये ट्रायंगल शेप में इस पर एक्ट करेगा इसका प्रेशर वाटर का, और ये एक्ट जो करता है कहाँ पे करता है, तो डाउन से यानी बेस से एच बाई थ्री डिस्टेंस पर यह प्रेशर इस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि प्रेशर होगा कितना, तो जितना ट्रायंगल का एरिया होगा यही इसका प्रेशर होगा, और ट्रायंगल का जो बेस होगा, ट्रायंगल का बेस होता है कि जितना इसका डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी इनटू में वाटर का हाइट, तो ये हो जाता है इसका बेस की वैल्यू। तो अगर पी की वैल्यू पूछे, पी बराबर होगा कितना, तो ट्रायंगल का जो हमारा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी बराबर हाफ इंटू बेस के जगह हो जाएगा गामा इंटू एच, और हाइट के जगह पर हो जाएगा स्मॉल एच, तो मतलब लिख सकते हैं पी बराबर हाफ इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यानी कि वाटर प्रेशर जो कि डैम पे एक्ट होता है। दो प्रेशर की बात कर लिए, पहला प्रेशर जो डिस्कस किए ये हमने सेल्फ वेट ऑफ डैम, और दूसरा जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब इन दोनों के वजह से एक रिजल्टेंट क्रिएट होगा जो कि डैम के बेस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और सेंटर से यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है इसका इसेंट्रिसिटी, जिसको ई से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हमें अब किसका वैल्यू निकालना है, पहला वैल्यू निकालना है डब्ल्यू का, दूसरा निकालना है पी का, तीसरा निकालना है ई का, और इन तीनों के वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उस स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके सबका देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, और बाकी दो डायग्राम के बारे में अगर डिस्कस कर ले, तो देखिए ये डैम का हमने व्यू दिया है कि इसमें यूनिट लेंथ को कंसीडर किए हुए हैं,
और इसमें बाकी सब कुछ सेम ही है, क्योंकि इसका जो विड्थ होगा टोटल बी होगा, तो हाफ से इसका डिस्टेंस बी बाई टू होगा। और ई जो है इसेंट्रिसिटी को डिनोट करता है कि इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट स्ट्रेस इसी पॉइंट पर आके एक्ट करेगा। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे स्मॉल ई का, कैपिटल डब्ल्यू का और कैपिटल पी का, इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना इस पर स्ट्रेस अप्लाई होता है। दूसरा जो डायग्राम है, ये डायग्राम बताता है इसमें स्ट्रेस का, कि डैम का जो ये हिल वाला पार्ट है इसको हिल कहते हैं, और आगे वाला जो पार्ट है इसको टो कहा जाता है। तो टो हिल पर कम स्ट्रेस लगेगा, मिनिमम लगेगा, और टो पर जो लगेगा वो मैक्सिमम यहाँ पर स्ट्रेस लगेगा। इस तरह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। अब देखते हैं कि डैम का वेट कितना होगा। डैम का जो वेट है, डैम का वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमको मास चाहिए किसी का, यानी कि वेट चाहिए, तो क्या करेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही काम यहाँ पर किए हैं, डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब ये डेंसिटी किसका डेंसिटी, तो डैम का निकाल रहे हैं, तो डैम का डेंसिटी होगा। तो डैम के डेंसिटी हमने क्या माना, रो, और रो जब इसको माने हैं, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू में लेंथ। तो एरिया हो गया डैम का बी, बी एरिया बी इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल है ये डैम, ऐसा ही ना है, ऊपर से बी इसका विड्थ हो जाएगा और एच इसका हाइट हो जाएगा। तो बी इंटू एच एरिया, और एल को हमने माना है लेंथ। जब लेंथ को यूनिट कंसिडर करेंगे, जब एल बराबर 1 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा रो इंटू बी इंटू एच। ये हमने किसका वैल्यू निकाला, ये निकाला है कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू। ये कैपिटल डब्ल्यू है, यानी कि वेट ऑफ डैम होगा। सेकेंड थिंग ये देखते हैं कि जो उस पर थ्रस्ट लगता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे थे पी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, जहाँ से पी इज इक्वल टू हाफ इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर था, जो कि एच बाई थ्री डिस्टेंस पर, बेस से एच बाई थ्री डिस्टेंस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज़ें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट जो कि बेस को कट करता है ई से, ई डिस्टेंस पर यह कट करता है। रिजल्टेंट का पोजीशन हमने डिस्कस किया था, देखिए दो फोर्सेस, एक डब्ल्यू जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बेस को किसी डिस्टेंस पे कट करेगा, यही डिस्टेंस हम का हमें पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास बी है। आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास में हो जाएगा बी बाई टू। ठीक है, तो बी बाई टू प्लस ई, यानी कि अगर हम पूछे कि इस फेस से कौन सा फेस, तो इस ये जो डैम का जो वाटर वाला फेस है जिस पर वाटर एक्ट कर रहा है, इस फेस से ई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा बी बाई टू और प्लस में ई। तो यही डिस्टेंस आपको मिल जाएगा क्या, कि डिस्टेंस फ्रॉम फेस ए डी रिजल्टेंट का इसका पोजिशन, मतलब हमको ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे करनी होगी, तो देखिए पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट कट द बेस बाई यूजिंग वेरिकॉन्स थ्योरम। वेरिकॉन्स थ्योरम कहता है कि जिस पोजिशन पर रिजल्टेंट कट कर रहा है, वहाँ पर समेसन ऑफ मोमेंट जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। अब समेसन ऑफ मोमेंट कौन कौन लग रहा है यहाँ पे, देखिए समेसन ऑफ मोमेंट कहने का मतलब कि यहाँ पर दो मोमेंट जनरेट होंगे, कौन कौन, तो लोड पी है और डिस्टेंस कितना लग रहा है, तो एच बाई थ्री, डिस्टेंस एच बाई थ्री। और ये चूंकि हमारा लोड और डिस्टेंस यहाँ डाउनवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डायरेक्शन कहलाएगा कौन सा, क्लॉकवाइज। तो एक मोमेंट जनरेट हुआ पी इंटू एच बाई थ्री का, और दूसरा मोमेंट, दूसरा हमारा जो लोड है डब्लू, ये डब्लू जो है हमारा पास में डिस्टेंस कौन सा है, ई है यहाँ पे, तो डब्लू के साथ ई लगेगा, तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दूसरा मोमेंट हमारे पास लगेगा डब्लू इंटू ई का। तो दो हमारे पास में मोमेंट हुए, पहला हुआ पी इंटू एच बाई थ्री और दूसरा हुआ डब्ल्यू इंटू ई का। तो यहाँ से एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। फिर से समझेंगे इस चीज़ को, एक फोर्स है हमारे पास में पी, कैपिटल पी, जो कि एच बाई थ्री डिस्टेंस पर एक्ट करता है, और चूंकि फोर्स और डिस्टेंस का रोटेशन इस तरह से है, तो यानी कि क्लॉकवाइज डिस्टेंस को बताता है, तो इसलिए पी इंटू एच बाई थ्री एक मोमेंट क्रिएट हुआ जो कि क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज होने की वजह से ये पॉजिटिव में होगा। दूसरा जो हमारे पास में मोमेंट जनरेट होगा वो डब्ल्यू, ड्यू टू डब्ल्यू होगा, और हमारे पास में इसेंट्रिसिटी ई है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से वैल्यू जनरेट हो रहा है, तो ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। ठीक है, अगर ई दूसरे साइड में रहता तो ये भी क्लॉकवाइज में होता, लेकिन ई तो इसके राइट साइड में है, तो इसलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है, और ये हो जाएगा सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव वैल्यू, निगेटिव इंटू डब्ल्यू इंटू ई। तो समेसन ऑफ मोमेंट बराबर आपको क्या करना है, जीरो, या फिर रिजल्टेंट के बराबर करना होता है।
तो यहाँ पर दो मोमेंट हमें मिले। तो वेरिगॉन्स थ्योरम के अनुसार, वेरिगॉन्स थ्योरम के अनुसार कहता क्या है वेरिगॉन्स थ्योरम कि यहाँ पर सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। अब जहाँ पर रिजल्टेंट लग रहा है वहाँ तो कोई डिस्टेंस नहीं है, रिजल्टेंट जहाँ पर लग रहा है यहाँ तो कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए आर के साथ में कोई भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों का इक्वेशन। देखिए P वाला जो था क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव है, W वाला जो था एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था इसलिए नेगेटिव है, और R के साथ में कोई डिस्टेंस नहीं था इसलिए जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू मिल जाता है हमको स्मॉल e का P बाई W इंटू एच बाई 3, जो कि यह बताता है कि हमारा इसेंट्रिसिटी है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसके इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। This expression gives the position of resultant, that is resultant cut the base at a distance P by W into H by 3 from the center of base। यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगल डैम था, ये रेक्टेंगल डैम का जो इतना सेंटर पॉइंट था, यहाँ से जो ई डिस्टेंस हमने लिया हुआ था, ई डिस्टेंस जहाँ पर रिजल्टेंट एक्ट कर रहा था, यह कहाँ से डिस्टेंस है, तो सेंटर से है, सेंटर से ई डिस्टेंस पर है, जहाँ ई की वैल्यू क्या है पी बाई डब्ल्यू इंटू एच बाई 3 का। ठीक है, द डैम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेज। यह डैम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा 3 फोर्सेज के अंदर में। कौन कौन फोर्स? तो एक हो गया डैम का सेल्फ वेट W, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू वाटर, वाटर के वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तीसरा हो गया रिएक्शन ऑफर्ड एट द बेस विच मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट टू R। तो ये 3 फोर्सेज हो गए, एक हो गया W जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दूसरा हो गया P और तीसरा हो गया यहाँ पर लगने वाला R। तो तीनों फोर्स जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो डैम हमारा सेफ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट है कि मोमेंट, मोमेंट कैसे कैसे क्रिएट होगा और मोमेंट के वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसका कैलकुलेशन। तो मोमेंट इसेंट्रिसिटी के वजह से, देखिए मोमेंट इसेंट्रिसिटी यानी कि जो W फोर्स एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड में और इसेंट्रिसिटी यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ से मोमेंट क्या जनरेट होगा, मोमेंट बराबर होता है लोड इनटू में डिस्टेंस, लोड हो गया क्या W, W उसका डैम का सेल्फ वेट और E हो गया इसका इसेंट्रिसिटी। तो एक हो गया मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी के वजह से मोमेंट कितना होगा, तो इसेंट्रिसिटी कनेक्टेड है W के साथ में, तो M इज इक्वल टू W इनटू E हो जाएगा। और यहाँ से E की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से M की वैल्यू मिल जाएगी P इंटू एच बाई 3। एम पी इंटू एच बाई 3 कैसे आया कि E की वैल्यू यहाँ पर पुट किए P by W into H by 3, W से W कैंसिल, तो बच गया P into H by 3, ये हमारा बस में आ गया किसका, मोमेंट की वैल्यू। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू W, W की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस कितना लगेगा, तो ये होगा M by Z। बेंडिंग स्ट्रेस जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं फ्लेक्चरल फॉर्मूला से ये वैल्यू आया था M बट्टा Z, जहाँ M होता है मोमेंट एंड Z होता है, Z है सेक्शन मॉडुलस, तभी मोमेंट ऊपर हमने कैलकुलेट किए P into H by 3। और सेक्शन मोडुलस रेक्टेंगल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होता है, तो DB स्क्वायर बाई 6 वाई डायरेक्शन के लिए, और X डायरेक्शन में होता है BD स्क्वायर बाई 6 का। क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू हमने 1 माना हुआ है, क्योंकि यूनिट लेंथ माना हुआ है, तो इसलिए इसको हमने क्या माना 1, तो हो गया क्या B स्क्वायर बाई 6। यहाँ पर इसको पुट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है सिग्मा बी इज इक्वल टू 6 WE बट्टा में B स्क्वायर का। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा लोड के वजह से, अच्छा लोड कौन सा पड़ रहा है, तो W लोड पड़ रहा है, इस लोड के वजह से कितना होगा हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस, तो वो होता है W बट्टा A। ठीक है, जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, लोड बट्टा में एरिया, लोड पर एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, तो यहाँ लोड के जगह पर डैम का सेल्फ वेट है, इसीलिए यहाँ पर लोड हो जाएगा W और डिवाइड बाई एरिया, तो यहाँ पर एरिया आपका कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया हो जाएगा बी इंटू डी करके, जहाँ पर डी को क्या माने हैं, यूनिट माने हैं। ठीक है, डैम का एरिया जो होगा बी इंटू डी, जहाँ डी हमने क्या माना हुआ है, यूनिट माना हुआ है, तो डी को हमने 1 माना, तो W बाई बी हो जाएगा सिग्मा नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। और जब स्ट्रेस की बात करेंगे, एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द बेस सेक्शन आर, कौन कौन स्ट्रेस, तो मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते थे, दोनों स्ट्रेस को जोड़ करके, बेंडिंग को भी और डायरेक्ट को भी, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में मैक्सिमम मिलता है, और बेंडिंग में से डायरेक्ट घटाते हैं तो हमारे पास में मिनिमम स्ट्रेस मिलता है। तो इसी तरह से इन दोनों को हमने यूज किया और यहाँ से वैल्यू जो मिल गया सिग्मा मैक्स बराबर W बट्टा बी 1 प्लस 6 ई बाई बी और 1 माइनस 6 ई बाई बी, ये दोनों फॉर्मूला हमको यहाँ से
मिल जाता है जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहले अगर रेक्टेंगल डैम का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको तीन चीज़ें आनी चाहिए। पहला, वेट ऑफ डैम कैसे निकालेंगे, तो होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी आपने निकाला था, डेंसिटी और वॉल्यूम निकाले थे बी इंटू एच इंटू जितना आपका लेंथ है, लेंथ हमने माना था एल, और यूनिट लेंथ मानने के लिए रो इंटू बी इंटू एच किए थे। यहाँ से वेट मिल गया था। पी की बात करें जो कि हाइड्रोस्टेटिक्स वाटर प्रेशर होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकाले थे। ये दोनों निकलने के बाद आपको स्ट्रेस की वैल्यू आनी चाहिए। स्ट्रेस यानी कि कौन कौन सा स्ट्रेस, तो एक था हमारा सिग्मा मैक्स मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। मैक्सिमम निकाले थे सिग्मा नॉट को सिग्मा बी में जोड़कर, और मिनिमम निकाले थे सिग्मा नॉट में से सिग्मा बी को घटाकर, जहाँ पर सिग्मा नॉट क्या था, डब्ल्यू बाई एरिया करके था। तो यहाँ पर एरिया को वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ से डब्ल्यू बाई बी आ जाता है सिग्मा नॉट, और सिग्मा बी जो होगा 6W/B². तो इस तरह से आप दोनों फार्मूला को यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगल डैम, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके ट्रेपेजॉइडल डैम के बारे में और उससे जुड़ी हुई इससे न्यूमेरिकल के भी बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।